राम राम दोस्तों। जैसे कि आज हमने वर्कआउट करी चेस्ट की और शोल्डर की, तो जो मेरे चेस्ट की वर्कआउट थी उसके 4 सेट थे, शोल्डर की वर्कआउट के मेरे 4 सेट थे, और हमने आज अपर एब्स को ट्रेन किया है, साथ में थोड़ी सी कार्डियो करी है। ये तो हो गई वर्कआउट की बात। अब बात करते हैं कुछ हेयर फॉल के बारे में, जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में। तो किसी तरह का कोई स्टेरॉयड नहीं लिया है, ये आप भी जानते हो। तो स्टेरॉयड ना लेने के बाद भी मेरा हेयर फॉल कैसे उड़ता है? पहली चीज आती है जेनेटिक। मेरे जेनेटिक में ये है कि हेयर फॉल तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये हेयर फॉल जो है बहुत जल्दी होने लग गया था। अभी मेरी एज 32 ईयर है, और जो मेरा छोटा वाला भाई है उसके सारे बाल अभी तक जा चुके हैं, पापा के भी काफी तक चले गए हैं, और हम लोगों के जो बाल है वो इस यहाँ से जाते हैं ऊपर के साइड से, इधर से। तो मैं फोटो डाल दूंगा कुछ दिन पहले मेरा क्या सीन था और अब क्या सीन है और इसको रोका कैसे मैंने। तो मैंने इसको रोकने के लिए ओमेगा 3, विटामिन ई, जिंक, बायोटीन, सब चीज, B12, इन सब चीजों को मैंने खाना चालू करा। फिर भी मेरे क्या था, हेयर फॉल रुक रहे थे और आ रहे थे, रुक रहे थे और आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हेयर फॉल जो रुक नहीं रहा है। तो थोड़ी रिसर्च करी तो पता चला कि क्रिएटिन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो भी आपका हेयर फॉल चालू हो जाता है, ठीक है। हम सप्लीमेंट लेने में इतना मतलब वो हो जाते हैं, एक तरह से हमारा बहुत डेली रूटीन बन जाता है कि हमें सप्लीमेंट लेना ही लेना है। हम भूल जाते हैं कि हमें उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा है क्या। तो मेरे को साइड इफेक्ट हुआ था उसका क्रिएटिन का, तो मैंने क्रिएटिन का बंद करा है। जैसे तो मैंने उसको बंद किया तो मेरे को कुछ भी पता नहीं चला कि क्रिएटिन की वजह से मेरे को हेयर फॉल हो रहा है। तो हुआ क्या था, मैंने 1 महीने के लिए क्रिएटिन अपना बंद किया था। जब बंद किया था मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी खासी होने लग गई थी। मैं फोटो डाल देता हूँ, मेरे अच्छी खासी बालों की ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद फिर दोबारा से मेरे बाल जो थे वो जैसे क्रिएटिन चालू किया थोड़े दिन बाद जाने लग गए। तो मैंने अपना चेकअप करवाया, चेकअप में निकल रहा है मेरे बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से हेयर फॉल चालू हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें देखिए क्रिएटिन का साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। अगर आपको लगता है तो आप चेकअप करवाइए अपनी बॉडी में, अगर क्रिएटिन आप पे ज़्यादा निकलता है तो आपको क्रिएटिन बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको क्रिएटिन के रिप्लेस में कुछ चीज़ चाहिए जो आपको पंप दे सकता है, ठीक है, आप प्री वर्कआउट नहीं ले सकते और उसी रेट में आपको कुछ चीज़ चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो आपकी कल बना दूंगा। लेकिन ये है कि आपको वीडियो स्किप नहीं करनी होती है, पूरी देखनी होती है, उसके बाद वर्कआउट वीडियो चालू होगी। चलिए अब चलते हैं जिम में और करते हैं वर्कआउट को चालू। वार्म अप को ख़त्म करके सबसे पहले अपने डिप्स चालू करी। डिप्स के रेपिटेशन थे हमारे 50, इसको मैंने 2 बार में कंप्लीट किया 25 25 करके। इसके बाद मैंने मारा इंक्लाइन बेंच पे बारबेल प्रेस, इसके रेपिटेशन 12 10 8 थे, सेम वेट था जिससे पहले। मैंने 2 वर्किंग सेट लिए थे जो लाइट वेट से थे। फिर मारा मैंने शोल्डर प्रेस के रेपिटेशन थे 15 12 10 8। इसके बाद आई अपनी फ्लाई डंबल फ्लाई, इसके जो मेरे रेपिटेशन थे वो 15 15 के 3 सेट थे। इसके साथ हमारा सुपर सेट था फ्रंट डंबल रेसिस, इसके एक हाथ से 12 12 रेपिटेशन थे और 4 सेट थे। ये हमारा सुपर सेट था फ्लाई के साथ। इसके बाद हमारा
स्लीव से फ्रंट रेसिस था, इसके भी रेपिटेशन हमारे 15, 12, 10 और 8 थे। हर बार वेट में इसको इंक्रीज किया था। इसके बाद हमारा सुपर फाइट में आया डिंकलाइन बारबेल प्रेस, जिसके रेपिटेशन थे 15, 12, 10, 8। उसके बाद है अपनी केबल फ्लाई, जिसके रेपिटेशन है 15 और इसके सेट है हमारे 3। इसके बाद है हमारा रियल डेट, रेपिटेशन 15, सेट 3। ये हमारी लास्ट वर्कआउट है। इसके बाद है हमारे एप्स के वर्कआउट चालू। पहले हमने स्टैंडिंग केबल कर्ल्स मारे, जिसके रेपिटेशन थे 15, 15 के 3। इसके बाद है सीटेड केबल क्रंचेस, इसके भी रेपिटेशन हमारे 20, 20 के 3 सेट। इसके बाद हम करेंगे 20 मिनट की अपनी कार्डियो और वर्कआउट डन।